सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना कर पाएं। कोकोनट मिल्क निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक फ्रेश नारियल लिया है जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसका ऊपर वाला काला वाला पार्ट अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, कोकोनट मिल्क वाइट ही निकलेगा। और हमें चाहिएगा एक कप पानी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस फ्रेश नारियल को एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। पानी मैं इस समय कम इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा नारियल बहुत ही आसानी से अच्छे से पिस जाए। अब हम इसको स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे और एक मिनट तक पीसने के बाद हमारा नारियल पिस चुका है, तो अब हम इसमें बाकी बचा हुआ पानी भी डाल देंगे और फिर से ब्लेंड कर लेंगे। और ये हमारा नारियल अच्छे से ब्लेंड होके तैयार है, तो चलिए इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। इसे स्ट्रेन करने के लिए या छानने के लिए आप किसी भी सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ किचन टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक रुमाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें पिसा हुआ नारियल डाल के रुमाल को चारों कोनों से उठाएंगे और इसे निचोड़ लेंगे। लीजिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास फ्रेश होममेड नारियल दूध बनके तैयार है। इस बचे हुए नारियल को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम चटनी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसफर करेंगे इसको एक ग्लास में। आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं या फिर इसको किसी रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजॉय।